सो आज का जो ये वीडियो है, मैं हूँ धीरज, मैं हूँ प्रणाली और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। ये जो वीडियो है, एक साल से हम लोग इस चीज़ के लिए, आज जो दिन है वो बहुत मनोज दिन है पिछले साल का, तो उसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हमारे पास में कोई है नहीं, ना मम्मी है, ना पापा है, ना इसकी मम्मी है, ना इसके पापा, ना कि इसके पापा है, कोई भी अभी यहाँ पर नहीं है। तो हमारी फैमिली, हम लोग एक दूसरे से कितनी ही बात करेंगे, हस्बैंड वाइफ कितना ही बात करेंगे, दूसरे को कितनी चीज़ें बताएंगे, तो हमारे पास कोई नहीं, इसलिए हम लोग हमारी जो चीज़ें हैं वो आप लोग के साथ में शेयर करते हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे साथ इंसिडेंस हुआ था, जो डॉक्टर लोगों के, डॉक्टर नर्स और जो भी स्टाफ था उनकी जितनी निग्लिजेंसी थी, जो एम्बुलेंस का पैसा लिया गया, जो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको फिर से एक बार फिर बताना चाहता हूँ। और जो पुराना वीडियो है, जो हम लोग पूरा फैमिली बैठ करके हमारे साथ जो बीता था, मैं उसकी लिंक भी इस वीडियो में दे रहा हूँ। मगर कुछ लोग आज भी जिनको ऐसा लगता है कि इतना बड़ा चीज़ करने के बाद में उन्हें ऐसे कहीं ना कहीं फीलिंग आती है कि उनकी गलती नहीं थी, तो ये जब आपके साथ बीतेगा ना, तब आपको ये चीज़ पता चलेगी कि गलती क्या होती है और नहीं होती है। और भगवान ना करे कोई मेरा कितना भी बड़ा दुश्मन रहे, मगर वो जब तक उसको वो चीज़, यानी कि जैसे गलती करी, और जब तक वो गलती को पश्चाताप नहीं करे, वो नहीं करे और वो एटीट्यूड में जिए, तो वो सबसे बड़ा घमंड उसको कहीं ना कहीं डुबाता है। क्योंकि जिस समय मैं भी ऐसी कोई चीज़ें करता था, जिस समय मैं नौकरी लगी थी, दारू की, ना ये करना, उल्टा सीधा काम करना, तब मेरे को भी घमंड था कि क्या है, क्या मिलेगा लाइफ में। जब परिस्थिति बनी और जब मेरे साथ में ऐसी चीज़ें हुई, तब मैंने इस चीज़ को जिया और जाना कि क्या होता है। तो वही चीज़ जब उनके साथ, यानी कि जो उनने गलतियाँ करी और जो उनके सामने सामने आके जब खड़ा होता है ना, तब उनको वो चीज़ पता चलेंगी कि गलती क्या होती है और गलती क्या नहीं होती है, और हमारी कोई गलती नहीं थी, तो तब वो चीज़ें पता चलेंगी। बेशर्मी की भी एक हद होती है कि आप जब गलती कर रहे हो, आप छोटे से बच्चे के सामने कोई गलती करते हो, और जब वो छोटा सा बच्चा आपको उस नज़रों से देखता है और आपको पता रहता है आप गलती कर रहे हो, तो आपके अंदर, यानी कि आपको पता है आप गलती कर रहे हो, तब भी आप गलत करते रहते हो, तो आपकी आत्मा मर चुकी है। लाइफ में सबकी कद्र करो और सबको वो करो। ये वीडियो उस दिन जो हादसा हुआ था और कई जो प्रणु के साथ में चीज़ें हुई थी, गलती बेसिकली ये थी, मेरी गलती ये थी कि मैंने ये सोचा कि आमला का हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो नॉर्मल जो पेन है वो दिखाया जा सकता है लेडी डॉक्टर को। वहाँ पर जो नर्स थी वो भी लेडी थी और जो डॉक्टर था वो भी लेडी थी, तो मैंने सोचा कि दिखाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मगर जो सिचुएशन होने के बाद में मैंने डॉक्टर को, मुझे कुछ भी नहीं पता था, और तो सबसे पहली चीज़ कि मेरा एजुकेशन इतना नहीं है, प्रणु का जो एजुकेशन है वो काफ़ी है, मगर प्रणु ने मेरे पे ट्रस्ट किया, मैंने डॉक्टर पे ट्रस्ट किया, वो मुझे अब समझ नहीं आया, और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार सही ट्रस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, लेडी डॉक्टर है, भले गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थी मगर लेडी डॉक्टर थी, तो ट्रस्ट किया। तो उस ट्रस्ट का जो नतीजा निकला वो हमारे साथ में, आज एक साल हो गया, आज 3 से 4 महीने का हमारा बच्चा हो जाता था, क्योंकि जिस समय ऐसी प्रणु थी उस समय है ये 3 महीने का वो बच्चा, 3 मंथ कंप्लीट हो चुके थे, तो आज वो हमारे पास में कुछ 6-7 महीने का, मे बी आगे पीछे, सॉरी मुझे इतना कुछ पता नहीं है, तो क्योंकि वो हमारे साथ हुए नहीं, इसलिए हम लोग एक अनुमान ही लगा सकते हैं कि वो इतने टाइम का हो जाता था, पता नहीं, हो सकता भगवान की इच्छा नहीं होगी, या फिर तो हाँ वही बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान कोई भी चीज़ें करता है, मगर आप गलती कर रहे हो, आप उसको नहीं समझ रहे, तो सबसे बड़ी गलती है। तो उसके बाद में जो चीज़ हो गई, हम लोग डॉक्टर पे जाने, तो आज हमारे जो फॉलोवर्स है, जो यहाँ ही नहीं है, दिल्ली में है, कई गाँवों में है, कहीं भी है, तो वो चीज़ मैं उन साथ जानना चाहता हूँ कि आपके साथ में आपने अपने पेरेंट्स को बताया, यानी कि फैमिली मेम्बर को बताया हूँ, किसी फ्रेंड्स को बताया हूँ, किसी को बताया हूँगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक को भी उस चीज़ के लिए जागरूक किया होगा, तो मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। तो कि डॉक्टर से आप आज भी अब जाते हो, आप किसी भी चीज़ के लिए जाते हो, तो डॉक्टर से कंसल्ट करते समय उसे ये बताओ कि ये सारी प्रॉब्लम है, आपको काफ़ी चीज़ें अब इन सब चीज़ों के लिए ध्यान रखना चाहिए, और हम भी अगली बार ध्यान रखेंगे
बेसिकली मैंने जो कार लिया है, जो आज मैं सारी चीज़ें लिए घर नीचे का लिया है या कोई भी चीज़ें मैंने करी है, तो वही कि आगे फैमिली में ऐसी कोई चीज़ अब होती है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से गलती हो। और मैं आमला में ट्रस्ट करूँ अब किसी पे कि हॉस्पिटल से लेकर के कि हाँ मैं इस कंडीशन पर अनु को दिखा सकता हूँ, तो ये बहुत बड़ी गलती रहेंगी। और आप लोग भी आमला के लोग हो तो प्लीज़, कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि क्या होता है कि जैसे कि वो ट्रस्ट कर लेते हैं यार कि नॉर्मल ट्रीटमेंट यहाँ आमला में ले लेते हैं, और कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि वो आमला में ट्रीटमेंट ले लेते हैं। मगर ऐसा नहीं, आप सबसे पहली जो चीज़ होती है बैतूल, क्योंकि बैतूल में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और फिर बैतूल भी नहीं कर पाता है तो आप नागपुर ले जा सकते हो। अब कुछ ही दिनों में मैंने एक पापा के साथ जो चीज़ें हुई थी, जो मैंने पापा के लिए चीज़ें करी थी, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। मैंने छोटी छोटी कुछ क्लिपें बनाई थी, वो भी मैं अभी कुछ दिनों में आपको वो बताने वाला हूँ। मैं उस मेंटल में रहा तो मैं आपके साथ में पूरी सारी चीज़ शेयर करने वाला हूँ कि मोनापुर में कैसे रहे और किस तरीके से मैंने पापा को बचाने के लिए और डॉक्टर ने क्या क्या बोला था, क्या क्या कंडीशन हुई थी, तो वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो प्रणु, ये तो मेरा कहने का था। प्रणु को सुबह से मैं काफ़ी वो कर रहा था कि प्रणु कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है लाइफ में, ये सब चीज़ होती रहती है, मगर उसको कुछ अब कोई नहीं है बोलने के लिए, तो उसे किसी को कुछ बोलना है या कोई भी अपने दिल की बात करनी है। दिल की बात आज तो मतलब बहुत दिनों से हमें पता था कि आज 12 तारीख है और हमें 12 तारीख को ये सब कुछ फेस करना ही पड़ेगा। ये जो पेन मैंने एक साल पहले झेला था वो आज फिर से कहीं ना कहीं ट्रिगर तो करेगा, ये पता था मुझे। और सुबह से आज मुझे ठीक ही लग रहा था, तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मेरा मूड फ्रेशन अप करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें कर ही रहे थे। बट हमारा लेडीज़ का यही होता है ना कि अगर हमारे साथ कोई भी चीज़ बीती हुई होती है तो हम उसको सोचते ही हम अपने आप को रोक नहीं पाते। तो वैसे ही सुबह से चल रहा था मेरा भी, आज मदर्स डे भी है तो बहुत बुरा लग रहा था कि अगर आज वो सब कुछ हमारी गलती की वजह से हुआ रहता तो हमें पता होता कि हाँ हमने गलत किया है। लेकिन हम एक तो अनएक्सपेक्टेड था, हमें पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। 3 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके थे तब तक भी हमें पता नहीं चला। उसके बाद जब पता चला तो हम लोग बहुत खुश थे। आप जानते हो ना, जब कोई टीचर या कोई भी हाथ उठा देता है अपने बच्चे पर या किसी की वजह से चोट लग जाती तो अपने शरीर पे ऐसा लगता ना कि एक अंग कट गया है। अब सोचो जिसका बच्चा किसी की गलती की वजह से मर रहा है तो उसके दिल पर क्या बीतती हो। तो हमें पता ही नहीं था, तो जब हमें पता चला तो हम लोग शौक थे एक तरीके से। आपने हमारा रिएक्शन भी देखा था वीडियो में कि हम लोग बहुत खुश हुए, ये तो रोने भी लगे थे क्योंकि इसके पहले भी हम लोग ऑलरेडी झेल चुके थे। गलती नहीं थी, बहुत चीज़ें थी हमारी परिस्थिति की वजह से बोल सकते हैं कि हम झेल चुके थे। तो हम ये जो प्रेगनेंसी थी ना इससे बहुत खुश थे कि यार अब हमारे घर में बहुत खुशी आएगी। क्योंकि आप सभी जानते हो कि मेरे फादर इन लॉ भी बीमार रहते हैं, मेरी मदर इन लॉ भी बीमार है, तो उन लोगों को सबको बहुत, इनको जब हमने बताया तो आपने उनका भी रिएक्शन देखा होगा। पापा रोने लग गए थे, मम्मी बहुत खुश हुई थी, वो तो समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोलूं। तो बहुत खुशी का माहौल था और कई लोग जो इस चीज़ों में शामिल है ना, वो लोग बोलते हैं कि मैं ऐसी कंडीशन में वहाँ पर गई थी कि मुझे ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा मतलब नीड थी, कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं दी जाती तो मैं शायद मर जाती उस दिन। लेकिन आप लोग को सबको पता है कि हम लोग व्लॉग्स बनाते हैं तो हमारे पास हर एक चीज़ होती है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उस टाइम भी हम व्लॉग बना रहे थे और मैं कितनी शौक से मार्केट गई थी, कितने अच्छे से हम लोग घूम फिर के, सिर्फ मुझे यहाँ पर चेस्ट में पेन हो रहा था और मैं वो पेन दिखाने के लिए उस डॉक्टर के पास चली गई। और कई लोग को ये लगता है कि प्रणु ने डॉक्टर से नहीं बताया था, नहीं किया था, तो प्रणु जब पहला पता ही चला था, ट्राई कर रहे थे या प्रणु काफ़ी चीज़ें कर रहे थे, डॉक्टर को हर एक चीज़ पता थी, हर एक चीज़ में उन्हें पता था कि आप यहाँ जाओ वहाँ मिलो सारी चीज़ें। और जब फर्स्ट टाइम भी डॉक्टर से मिले थे तो हम वहाँ जा कर के मिले थे, उन्हीं ने ही कन्फर्म कराया था कि आप प्रेग्नेंट हो और उसकी भी सारी चीज़ें हमारे पास रखी हुई है। ऐसा नहीं है, सारा सब कुछ प्रूफ है। और प्रणु जैसा बता रही है कि प्रणु को सिर्फ नॉर्मल चेस्ट पेन था तो मैं दूसरे दिन ही दिल्ली जाने का नहीं सोच सकता था, मैं मुझे दिल्ली निकलना था।
ऑफिस के काम से, तो मैं नहीं सोच सकता था। किसी को भी ऐसी चीज़ें लगती है तो किसी के बारे में कुछ भी बताने के पहले आप, यानी कि जेंट्स हो लेडीज हो, आपकी आत्मा मर नहीं गई है, आप इंसान ही हो। मतलब अपने आप को सही साबित करने के लिए लोग किसी भी हद तक, हमारे सामने कभी ऐसी हिम्मत हो या ऐसी कोई भी चीज हो, ऐसा कोई कहीं बोलता है तो एक बार हमारे सामने बोलो या हम कि हाँ ऐसी बात थी, तो तब हम बात करेंगे ना हम। यानी कि कोई भी ऐसा इंसान सोचता है कि यार डॉक्टर को नहीं बताया होगा या डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, तो ऐसा लगता है। तो सामने आओ, सामने बात करो और प्रूफ करो। तो फिर मैं नहीं चाह रहा, मैं चाहता था कि बहुत कुछ कर सकता था, मगर मैंने सोचा यार कि जो चीज़ अब मेरे साथ में चली गई है, अब उसको तो मैं ला नहीं सकता। और किसी की कोई भी चीज़ों में मैं किसी का, क्योंकि मेरे को भी प्रॉब्लम होंगी ना, मैं ऐसा नहीं है कि मैं, मेरे ऑलरेडी मम्मी पेशेंट, पापा पेशेंट, प्रभु की कंडीशन है, मैं कुछ जॉब करता हूँ, मेरा भाई, सभी लोग ऐसे, मैं नहीं हूँ कि मैं बहुत मेंटली बहुत चीज़ों से प्रिपेयर हूँ। तो मैं ये सब चीज़ कर लूँ पहले, क्योंकि मैं इतनी चीज़ों से वैसे ही जूझ रहा हूँ और एक चीज़ और सर पर ला लूँगा। तो मैंने सोचा कि यार ये सब चीज़ें करके कोई मतलब नहीं है, या कोशिश तो किया था कि मैं कुछ कर दूँ बहुत बड़ा, क्या ही मतलब है इन सब चीज़ों में। जो जो देना है वो तो मिलना ही है ना, वो मैं कितना नहीं भी करूँगा तब भी मिलेगा, और मैं करूँगा तब भी मिलेगा। इसीलिए तो बस यही था कि जो पेन मैंने झेला है ना, प्रेगनेंसी एबॉर्शन का पेन तो मैंने झेला ही है, लेकिन जो मेरे साथ भी हुआ ना वो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। उस वजह से मैं आज भी परेशान हूँ और मेरे हस्बैंड भी परेशान है। किसी को भी लगता होगा कि यार हमने तो कर दिया, अब उसका कोई मतलब नहीं है, हो गया, वो एक साल हो गया। सभी ऊपर वाले को मानते हैं, वो वही देखने वाला है और वही बताने वाला है, भले वो कोई भी हो, मगर सबका ऊपर वाला होता है। और वो आपको आज नहीं तो कल आपको उस चीज़ का सबक ज़रूर देगा, क्योंकि जो इंसान दिल से रोता है ना, दिखावे का और दिल से रोना बहुत अलग होता है। और माँ का दर्द एक बच्चा ही समझ सकता है या एक माँ समझ सकती है। वो इवन उस दिन ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई थी ना, आप मानोगे नहीं कि एक बार कंडीशन होने के बाद में, प्रभु ने एक बार दर्द झेलने के बाद में, मैंने वो सिचुएशन में, लोगों को लगता है कि एमोशन वाला पेन हर लेडी सहती है, प्रभु कुछ सेकंड के लिए हार्ट बीट रुक, यानी कि थम सी गई थी। ट्रीटमेंट उस समय तुरंत नहीं मिलता, गलती भी उन्हीं ने किया था, इंजेक्शन हार्मोन्स, जिस भी लेडी को समझता होगा ना, इतना तो समझता होगा, हार्मोन्स चेंज होते हैं, इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, इंजेक्शन दिया, हार्मोन चेंज हुई, बॉडी चेंज हुई है, उसके बाद में ये सारी सिचुएशन हुई, वो सब कुछ हो गया, दिखा दिया, सब कुछ हो गया। उन्हें पता रहने के बाद में कि जो इंजेक्शन दिया उससे बच्चे पर असर पड़ सकता है और बच्चा नहीं रह सकता है, ये सब कुछ पता, और नहीं पता होगा। लोग ये बोलते हैं कि हमने पेशेंट को बचाने के लिए वो इंजेक्शन लगाए, ठीक है, लेकिन जब ठीक है, जब उन लोग को पता चल गया था कि इसको लगा दिए है, इंजेक्शन लगा दिया, तो उस इंजेक्शन से ये होता है कि जो चीज़ें होती है उस इंजेक्शन से ये होता है कि बॉडी के अंदर बच्चा नहीं रहता है, बच्चे की सांस चल जाती है। मैंने स्टडी कर लिया, उन लोगों ने लगा भी दिए, स्टडी भी कर लिया था, वो सब कुछ हो गया, हॉस्पिटल से घर आ गए। मगर जब प्रणु को रात में बैक पेन स्टार्ट हुआ था, उस समय इवन हमसे एम्बुलेंस में पेट्रोल डलवाया गया। मैं चाहता था, मेरे दोस्त की गाड़ी आगे खड़ी थी, मैं वो भी कर सकता था, मगर 15 मिनट तक के हम लोग दूसरे हॉस्पिटल गए, वहाँ पर डॉक्टर इनने बात नहीं करी, वहाँ पर भी डॉक्टर नहीं मिला। बैतूल से आगे कितने किलोमीटर, हम पांडर गए थे, डॉक्टर ने नहीं मिला, और उतने टाइम में पूरी तकलीफ में थी, पूरी पेन और बैक पेन, आप जानते हो लेडीज जान सकती है, बैक पेन के साथ साथ जो मेरे को रिएक्शन हुआ था उसका पेन इतना था कि मेरी बॉडी तड़प रही थी, मत बताया जाने थे, और मैं वो पेन आज भी झेल रही हूँ। तो वो जो चीज़ें हुई थी ना, तो उसके बाद डॉक्टर ने बात नहीं किया, वहाँ से डॉक्टर ने बोल दिया कि अब वो नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, अब आप अपने हिसाब से देखो। एम्बुलेंस से पेट्रोल डलवाया, उसके बाद में मैं खुद डॉक्टर को अपने हिसाब से रात में उठवाया, फिर मैंने वहाँ पर प्रणु का ट्रीटमेंट करवाया। सिर्फ 15 मिनट में प्रणु को आराम मिल गया, 15 मिनट बाद प्रणु सो गई, मैं रिलैक्स हुआ, मेरे दोस्त लोग की बात है,
आज भी दिल से मैं उन्हें शुक्रिया कहता हूँ। मैंने कुछ अच्छे काम किए होंगे इसलिए मेरे दोस्त मेरे साथ में थे, मुझे उन लोग ने समझा और मेरे साथ में रहे, फिर अपन आराम हुआ। अपन सुबह हम लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार हम लोग ने सोनोग्राफी करवाई। क्या बोलते हैं उसे, और भी कुछ बोलते हैं मुझे पता नहीं, सीटी स्कैन में सोनोग्राफी। हाँ, तो जो वो करवाया तीनों बार, डॉक्टर ने बोलते कि नहीं है यार, आप कुछ नहीं कर सकते। आप यकीन नहीं मानोगे, जब हमने पहली बार जब हमें पता चला था ना, तब हमने जब सोनोग्राफी कराई थी तो डॉक्टर ने बोला था कि आपका बेबी कितना हेल्दी है, 3 मंथ्स का है लेकिन कितना हेल्दी है, हार्ट बीट भी सब कुछ सही है। कई लोगों को ये लगता है कि डांस करने से, डांस तो मैं 3 महीने तक कर रही थी, उसके बाद भी मेरा बच्चा सही था। बहुत तकलीफ, 3 बार सोनोग्राफी हमने ये करवाई कि हमें उम्मीद थी सही बात है। कोई भी अमिताभ बच्चन या क्रिकेटर या कोई भी सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी या कोई भी जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े इस पर पहुंचे हुए लोग हैं, तो यही तो चीज़ें होती है ना कि इंसान समझने के बाद भी उसका दर्द नहीं समझ पाता है, तभी वो इंसान कुछ आके लाइफ में करता। तो प्रणु, हो सकता है कि तेरे साथ में सब कुछ हुआ है, तो इतने लोगों को तूने जागरूक किया है, क्योंकि इवन निशा लांबा ने अपने पूरे जो स्टाफ और सब लोगों ने इस तरीके से बताया था। आज वो दीदी हमें पसंद करती है, तो उनने इतने से बताया था कि तुम्हारे ऐसे मैंने कई मेरे इन लोग को बताया है, लोगों को बताया है कि हॉस्पिटल जाऊंगे तो ऐसे ही कोई भी हॉस्पिटल मत जाना और प्रेगनेंसी में मत जाना, आपके साथ कुछ भी वो कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा तो हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि जो हमारे साथ बीता है ना, वो आप जानबूझकर ऐसा अपने साथ कभी बीतने मत देना। जब भी आप हॉस्पिटल जाओगे ना, तो अब प्रेगनेंसी में, तो डॉक्टर से एक बार ज़रूर पूछना कि आप हमको क्यों लगा रहे हो इंजेक्शन, या हमें आप प्लीज़ ये समझना कि ज़रूरत है। इंजेक्शन तो लेना ही मत, वो डॉक्टर कितना बड़ा हो, किसी भी लेवल का हो, आप नॉर्मल हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी में नहीं है ऐसी चीज़, जब तक आप उसका टेस्ट डोज नहीं लो, टेस्ट डोज ज़रूर लेना। टेस्ट डोज होता है एक कुछ ML मिलता है, यानी कि ML दिया जाता है कि आपकी बॉडी में कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा है, आपको डायरेक्ट पूरा नीडल अंदर डाल करके पूरा आपको नहीं दिया जाएगा, तो वो चीज़ आपको ज़रूर करवाना है। आपको इंजेक्शन तो लेना ही नहीं है, मेडिसिन भी, जब तक गायनेकोलॉजिस्ट से, सबसे पहली चीज़ आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है, गायनेकोलॉजिस्ट से ही आपको कंसल्ट करेंगे और वही सब आपको चीज़ें बताएंगे। किसी भी झोला छाप या कितना बड़ा भी पढ़ा लिखा हो, वो आपकी नज़र में उस समय एक कोई मतलब का डॉक्टर नहीं है, क्योंकि आपको गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। जैसे हड्डी के अंदर, यानी हड्डी टूटती है तो आप किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखा सकते हो, या जैसे कान नाक का कोई इलाज दूसरा डॉक्टर करता है, अपना स्पेशलिस्ट होता है, तो वही चीज आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि हमें प्रॉब्लम है या कुछ, हमें हो नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग अभी तक जो थे, हम लोग नहीं चाहते थे कि हमारे लाइफ में, अभी हम लोग रेडी नहीं थे कि हमारे पास बेबीज है, लेकिन जो ये अनएक्सपेक्टेड था ना, हम लोग को बहुत खुशी मना रहे थे। हमने, आपको पता है, एक रसगुल्ले का डब्बा था हमारे घर में, और वो रसगुल्ले का डब्बा हमने कब से नहीं खोला था कि कोई खुशी आएगी हमारे घर में, तो हम खोलेंगे। और उस दिन ही हमने वो रसगुल्ले का डब्बा खोला और खाया, सबको खिलाया हमने। क्यों पता है, आप ये सोच रहे होंगे कि छोटा सा रसगुल्ला कितने दूर, 150-200 रुपये खाता हूँ मैं, मगर मेरी एक आदत है कि मैं हर पल को जीता हूँ, मेरा वो 1 रुपए का हो या वो 50 रुपए का हो या 50,000 रुपए का हो, मेरे को उससे नहीं, मगर उससे मेरी फीलिंग रहती है। तो वो चीज़ें एक अटैच करती है आपको कि यार अपन ने, याद है ना यार, अपन ने उस समय ये चीज़ किया था, कितने पल होते हैं, हम लोगों ने क्या नहीं देखा है यार हमारी लाइफ में, हमने छोटी उम्र में ना बहुत कुछ देख लिया है, बहुत सारी चीज़ें देख ली है, और हम नहीं चाहते कि ये सब कुछ आपके साथ में बीते। और जल्दी अब हम लोग भी प्रणु की बॉडी में डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा करके पता करूँगा कि अब स्टेबल है क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ मैं, आज 1 साल हो रहा है, उस दिन का दिन था, और उसके बाद में भी एक बार ऐसी चीज हुई थी,
उस दिन के बाद में प्रणु ने आज तक की कोई भी गोली नहीं खाई। आप मान नहीं सकते हो इतना डर भरा पेन, पेन होता है ना मुझे, तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं एक छोटी सी पैरासिटामोल या क्रोसिन खा लूं। मैंने एक साल से कोई गोली नहीं खाई अभी तक, इतना डर है मेरे अंदर क्योंकि मैं इतना पेन झेल चुकी हूं। दूसरी बार जब हुआ था ना तो इतना अभियान है कि इतना डर चुकी हूँ, मैं भी इतना डर चुका हूँ कि मैं भी इसको भी, आप मानोगे नहीं कि कोई भी गोली अभी नहीं खा रही है, मैं कैसे आपको ट्रस्ट करा सकता हूँ, वो हमें ही पता है। मगर उसके बाद से प्रणु ने एक गोली भी नहीं खाई। आप लोग ये बहुत बड़ी बात है, एक लेडी है ना कि क्योंकि वो कभी उसका हाथ दुखता है, कभी पैर दुखता है, कभी सर दुखता है, कभी सर्दी होती है, मैं भी कुछ ना कुछ गोलियाँ खाता हूँ कभी ना कभी, मगर सोचो कि उस इस लड़की ने अपने को कैसा बना लिया है कि इतनी डर गई है और दहशत बैठ गई है कि उसने एक गोली तक के नहीं खाई है। यार देखो आज प्राउड है, प्राउड कैसे है कि इतना उसने दर्द कब से सहन कर रही है यार कि मैं नहीं खा सकती हूँ। वो मेरे को भी देखती है, मेरे घर वाले को भी देखती है, इवन अपने घर वालों को भी देखती है। इतनी समझदार वाइफ मिलना, कोई दूसरी लेडी के साथ में ऐसा होता ना तो पता नहीं वो डॉक्टर या किसी के साथ में क्या कर देती, या मेरे को बोल बोल करके या ऐसा कर करके मेरे से क्या करवा लेती। मैं खुद ही कोई होता, मैं खुद ही होता ना और प्रणु यहाँ होता कि मैं तो उसको खुद ही ऐसा बोलता भाई तूने ऐसा करना चाहिए था, उसके साथ ये कर देना चाहिए था, वो कर देना चाहिए था, क्या है तेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या, क्योंकि एक बार एक टाइम पे मेंटली, मगर इस लड़की ने मुझे कभी ऐसा नहीं किया। उसने यही बोला जिसने जैसा किया है उसके साथ में वैसा होगा, तब उसे पता चलेगा, ठीक है। वो आज नहीं समझ रहे हैं, मगर मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरी वाइफ मुझे इतनी अच्छी मिली है कि मेरी हर परिस्थिति के साथ में मेरे साथ में चलती है। जब मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास कुछ थोड़ा बहुत है भी, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और मुझे पता है कि मेरी वाइफ एक दिन लाइफ में कुछ ऐसा करके दिखाएंगी कि जब मैं छाती चौड़ी करके और जो भी मेरे को ऐसा कुछ बोलता है ना, मैं छाती चौड़ी करके ऐसा सीना तान करके चल के मैं बताऊंगा कि ये आज मेरे साथ में जो मैं, तो ये सिर्फ अगर होगा भी ना पॉसिबल तो ये आपकी बदौलत ही होगा। आपके बिना लाइफ में, मतलब मैंने इस आदमी के जितना ना स्ट्रॉन्ग इंसान ये देखा, मैं इतनी बीमार थी, आप इतनी बड़ी लड़की, बस जैसे मेरे साथ हुआ ना मैं गिर रही हूँ पड़ रही हूँ, और ये उस टाइम अकेले थे ना, कोई हमारी फैमिली का एक भी मेंबर नहीं था, एक भी नहीं था कोई, ना इनकी फैमिली से था और ना मेरी फैमिली से। ये इंसान अकेले वो डॉक्टर के सामने बोल रहा है, गिड़गिड़ा रहा है मेरे मम्मी पापा बहुत सीधे है यार, मेरी फैमिली छोड़ दे, मेरे फैमिली गिड़गिड़ा रहे थे डॉक्टर के सामने कि क्या हुआ बताओ ना, लेकिन वो लोगों के मुंह से एक बक नहीं निकला कि इसको ऐसा कर लो या कहीं और तुम लेके चले जाओ। या अभी जब वो स्टेबल हो गई ना, मैं जब स्टेबल हो गई थी ना, पता है जब मैं स्टेबल हो गई थी, मैं डॉक्टर वो लोग बोल रहे थे कि आपकी जान बचाना इम्पोर्टेंट था, मैं मानती हूँ कि मेरी जान बचाना बहुत इम्पोर्टेंट था ही, और वो करा आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपको पता था कि इसकी जान बचने के बाद अब बच्चे की भी तो जान है ना। आपने मेरे को एक बार भी सजेस्ट नहीं किया कि आप अभी के अभी तुरंत यहाँ से उनको बैतूल लेके चले जाओ, एम्बुलेंस हम देते हैं आप लेकर जाओ। याद रखना पैसे इतने होने के बाद में भी एक परिस्थिति में आपने पेट्रोल डलवाया था, ध्यान रखना। मजा तो तभी आएगा जब पैसा होगा, मगर परिस्थिति ऐसी होंगी जो हमने सहन किया है, जो रात भर सहन किया है हमको, तो कोई कई लोग बोलते होंगे कि वही चीजों को लेकर बैठे हो, मूव ऑन करो, लेकिन वो पेन आज तक हम झेल रहे हैं ना, आज तक झेल रहे हैं, मूव ऑन करने के लिए वो खत्म हो जानी चाहिए चीज, लेकिन वो तो हमारी लाइफ में अभी तक, मैं और मेरे हस्बैंड के कई बार झगड़े भी हुए, कई बार ये चीज को लेकर कि गोली नहीं खाती है, कभी देखो आगे भी गोली खानी पड़ेगी तो फिर क्या करेगी, फिर क्या होगा जब तेको खानी पड़ी, फिर कभी उस टाइम पे फिर ऐसे रिएक्शन हुए तो फिर मैं क्या करूँगी, तो मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मेरे लाइफ में मेरे हस्बैंड मेरा हमेशा साथ देते हैं। आप मानोगे नहीं, जब सेकेंड टाइम पे भी मेरे को ऐसा हुआ था ना, तब भी वहाँ पर कोई नहीं था इनके साथ, सिर्फ एक रिलेटिव थे, और वहाँ पर भी अकेले, अगर मैं इनको कुछ ऐसा हुआ, भगवान ना करे कभी हो, अगर कुछ ऐसा हुआ इनको, मैं अकेले तो झेल ही नहीं, मैं देखेगी पाऊंगी इनको।
मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी आई और ऐसे चला जाओ, टेंशन करता हूँ। तो ये सब ये सब चीज़ें तो अपने मगर ये वीडियोस बनाने का यही है मकसद है कि जो भी अभी तक और कुछ जागरूक नहीं हुआ होगा तो उन लोग के लिए है कि आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब कोई भगवान नहीं रहेगा, कोई डॉक्टर भगवान नहीं रहेगा, आप खुद ही भगवान। आप जब भी कहीं ट्रीटमेंट ले रहे हो ना, या आपके कोई लव वंस हॉस्पिटल में है, तो उनको ज़रूर पूछो डॉक्टर को कि आप क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसको ज़रूरत है क्या इसकी। अननेसेसरी लोग ना आजकल बिल बढ़ाने के लिए भी इंसान रखते हैं हॉस्पिटल्स में। इतना नहीं है, मेरा कभी ऐसा कुछ हुआ और ऐसी कोई चीज़ रही तो मैं बेशक अपने दिल की बात तो कहूँगा, क्योंकि मेरे साथ में दिल की बात करने वाला कोई नहीं है मेरी पत्नी के अलावा। और कितनी मेरी पत्नी को मैं चीज़ें बताऊँगा तो मैं यहाँ पर तो बात कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे कोई रोक टोक नहीं है। जो मुझसे कनेक्ट करते, मुझसे प्यार करते तो वो इस चीज़ को समझेंगे, और नहीं भी समझे तो इनका दिल से शुक्रिया है कि आज तक मेरे साथ बने रहे हो और आगे भी आप बने रहो। और कहीं भी कि कोई भी अभी प्रेग्नेंट हो तो उसे वीडियो बताओ, या वो पुराने वीडियोस में उसकी लिंक दे रहा हूँ कि जो जो उस दिन सिचुएशन हुई थी वो सब कुछ उसको पता रहेगा, तो कभी वो लाइफ में किसी भी ऐसे डॉक्टर के पास में। और सबसे पहली चीज़ ये है कि आप बच्चों की प्लानिंग कर रहे हो, कोई भी चीज़ें कर रहे हो, तो अपने आप को इतना मेंटली और फाइनेंशियली इतनी चीज़ों से सक्षम रखो कि यार मिडिल क्लास, एक तो ऊपर वाले को तो कोई इशू नहीं रहता है, एक नीचे वाले को तो ऐसा रहता है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, उनको तो पता ही रहता है कि यार हम लोग इतना ही है, यानी कि वो कर सकते हैं। मिडिल क्लास ऐसा रहता है कि कोशिश ही करते रह जाता है यार कि मेरे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, भले वहाँ 10 लाख रुपये लग रहे, 10,000 रुपये लग रहे, हाँ ठीक है 10 लाख लग रहेगा, ठीक है मैं कर लूँगा, मगर बेचारे की वही लाइफ पूरी हो जाती है। बस यही बोलना था हमारे वीडियो के थ्रू, हम यही मैसेज देना चाहते हैं आप सभी को कि आप लोग जब भी कोई मेडिकल फील्ड में जाते हो, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हो, तो बी अवेयर, थोड़ा सा अपने आप को कान नाक सब खुले करके जाओ और पूछो डॉक्टर को जाके कि वो क्या कर रहे हैं। समझता है तो किसी समझदार किसी हाँ जिसको समझता है उनसे एक बार एडवाइस ले। नहीं भी कोई समझदार है तो खुद ही समझदार बनो, इतना इवन ये तो जानो कि भैया गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, जैसे दांतों के लिए क्या बोलते हैं कौन से डेंटिस्ट के पास जाते हो, कानों के लिए और कान नाक के लिए, सबके लिए अलग अलग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो प्रेगनेंसी में आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाना है। ऐसे आपकी लाइफ है, करने वाले तो करके चले जाएंगे, मगर जो जितनी भी लाइफ आपकी है ना वो आपको ही झेलना पड़ेगा। मेरी चीज ये रहती है कि आपको पता रहता है कि आपके साथ में किसी ने ऐसा किया है, पता नहीं मैं आप कैसे कंट्रोल कर पाता हूँ अपने आप, पुराना धीरे धीरे रहता तो पता नहीं। चलो कोई नहीं, बस ये चलते रहेगा, हैप्पी कुछ। चलिए मिलते हैं, और जिसके साथ में आप जो भी अभी प्रेग्नेंट है या कोई भी ऐसा, तो मैं ये सब कुछ चीज़ें बताओ, जरूर हाँ वीडियो शेयर करो, और बहुत ज़रूरी है ये इन्फॉर्मेशन देना हर एक लेडी को। चलिए आपके साथ मिलता है, बहुत अच्छा लगा, ठीक लगा, ठीक लगा। मैंने आज प्रणु के आंसू नहीं पूछे, आज प्रणु ने मुझे बहुत पहले बोल दिया था कि मेरे को एक आज आप मैं कुछ बात नहीं करूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं कोई काम नहीं करूँगी, मैं ऐसा नहीं करूँगी वैसा नहीं करूँगी, मगर मैंने प्रणु को बोला कि प्रणु बोला नहीं, मैं बोलने की हिम्मत नहीं थी, मैं बस कुछ को उल्टा सीधा मस्ती बाल खींचना और ये मस्ती करते रहा जिससे कि उसका माइंड वहाँ नहीं जाए। मगर उसने बोला कि यार मुझे वीडियो बनाना है, मुझे सबको बताना, तो ठीक है कैसा लग, यानी यही बोले कैसा क्या लगा होगा आपको। चलिए मिलते हैं आप कल जल्दी आपके नेक्स्ट वीडियो में, फ्रेश व्लॉग में। सी यू सून इन अ नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, बाय, लव यू ऑल।